मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नकली बंदूक दिखाकर 2.5 लाख रुपए लूटने के मामले में कलवा पुलिस ने 4 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। कलवा पुलिस ने बताया है कि मुंबई नासिक हाईवे पर इस गिरोह ने एक व्यक्ति से नकली बंदूक दिखाकर 2.5 लाख रुपये लूट लिए थे और उत्तर प्रदेश फरार हो गए थे। कलवा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI कन्हैया थोरात को शिकायत मिलने के बाद इन्होंने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम की गठित की और गुप्त जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश से जकाउल्लाह बताउल्लाह चौधरी 23 साल और सुहेल अहमद शेख 20 साल, अली उल्लाह खान 19 साल जबकि एक 17 साल का नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया गया है। ACP विलास सिंधे ने बताया है कि पकड़े गए इन 4 आरोपियों के पास से 3 नकली शॉटगन, 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। 16 जनवरी को रात को 11:30 के आसपास हमारे कंप्लेंट जो है फिरौती एक फिरौती से 2.5 लाख रुपया रोक कैश लेके अपने दुकान से अपने घर में थाना में रहते हो वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो रात को 11:30 के करीब एक लाल रंग की फोर व्हीलर गाड़ी आई तो उन्होंने उसका रास्ता रोका और उसमें से 3 जन नीचे उतरे और फिरौती को पकड़ के उसकी कैश छीनने की कोशिश की। फिरौती ने उसको विरोध करने के बाद उसमें से एक आरोपी ने बोला एक गन निकल रहे गन निकल रहे तो ये कहने से वो फिरौती डर गया और उसने अपने हाथ की जो कैश थी वहीं पे डाल दी और अपने मोटरसाइकिल भी जगह पे छोड़ के वहीं से भाग गया। सर कुल कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार करने हैं और जो आरोपी गिरफ्तार करने का बैकग्राउंड क्या है? अभी ऐसा पता चला है, तहकीकात चल रही है, इसमें से 3 आरोपी हम लोगों ने यूपी से अरेस्ट किया है। एक बाल गुनेगार था और उसको वहीं पे छोड़ा गया है, यूपी में छोड़ा गया है उसको। एक आरोपी अभी भी वांटेड है इसलिए इस क्राइम को डकैती के सेक्शन लगाए गए हैं। ये मामला शुरू में जब दर्ज हुआ तो अभी 392 यानी जबरन चोरी इसी कलम के तहत रजिस्टर हुआ था जिसमें 2.5 लाख रुपया कैश जबरन चोरी की गई थी। अभी ये जो दिख रहे हैं ये मोबाइल और ये कैश है 65,000 और ये दो मोबाइल वो बरामद किए गए हैं और जो गन निकल रहे जो बोला था तो सचमुच उसी वक्त एक गन उनके पास गाड़ी में थी लेकिन उन्होंने उस वक्त उसका इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी ये टीम जो है पूरी टीम इन्होंने घुगे साहब है इनके नेतृत्व में थोरात साहब के नेतृत्व में ये जो घुगे साहब है और उनकी टीम है उन्होंने बड़ी मशक्कत बड़ी मेहनत के साथ ये निष्पन्न किया। आरोपी यूपी के है, आरोपी को यूपी में जाके अरेस्ट किया और उनसे ये पैसे ये मोबाइल और ये हथियार बरामद किए हैं। सर आरोपी यूपी के किस जिले से गिरफ्तार किए गए हैं? ये बस्ती जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। सर जिन आरोपी का इस तरीके से पैसे आज के लोग जो अपने साथ लेके घूमते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जो पैसे होते हैं उनको अपने साथ लेके जिस तरीके से लोग निकलते हैं आज के दिन में? हाँ बेसिकली डिजिटल पैसे जो होते हैं बहुत सुरक्षित होते हैं, उसको चुराने की वगैरह कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे यहाँ पे घटना घटी है, हो सकता है उनकी जो ज़रूरत है उनका बिजनेस जो है वो पनीर के संबंधित है तो जो उनको और किसी को पेमेंट करना है वो कैश में करते हैं इसलिए शायद वो कैश कैरी करते हैं। इसमें एक ही सुरक्षित उपाय ऐसे ही है कि उन्होंने ये जो कैश है ढूंढने में कोई भी बैंक में वो रख सकते थे और किसी को देना है तो बैंक के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं या RTGS NEFT बहुत सारे माध्यम हैं तो ये ऐसी घटनाएं थोड़ी बहुत चल सकती है। सर एक आरोपी वांटेड है और 2 हिरासत में तो कुल 3 हिरासत में है, टोटल 5 आरोपी है। टोटल 5 हाँ, एक बाल गुनेगार है तो वहीं पे छूट दिए गए। इन आरोपियों का पिछला इतिहास क्या है? अभी वो पुलिस कस्टडी में है, उनकी 5 दिन की पुलिस कस्टडी है, तहकीकात चल रही है कि और कितने ऐसे इस टाइप के क्राइम किए उन्होंने। इन आरोपियों ने ये जो घटना अंजाम दी है नहीं, ये यूपी से आगे दी है। इसमें से एक आरोपी है जो अपने फिरौती की जिस जगह पे काम करता है वही पे काम करने वाला था। कुछ दिन पहले उसने अपनी नौकरी छोड़ दी तो उसको पता था फिरौती का रूटीन कितने पैसे लगभग जमा होते हैं कैरी करता है तो इसी हिसाब से उसने अपने अन्य सहयोगी को वहाँ से यूपी से बुलाया। सर इन आरोपियों को किस तरीके से ट्रैक किया गया? नहीं ये तो बहुत बड़ी मेहनत की बात है, इन्होंने मोबाइल है डिजिटल है
ज्यादा बात खुल के ठीक नहीं रहेगा कि ये इंटरव्यू और भी ढूंढेगा तो दोबारा ये गलती नहीं करेगा तो फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सर, जिस टीम ने ये पूरा काम किया है उनको किस तरीके से आपके तरफ से रिवॉर्ड दिया जाए? सर, डेफिनेटली हमारे वरिष्ठों के साथ चर्चा होगी। ये घुगे साहब है और इनकी टीम है और ये थोड़ा साहब के नेतृत्व में इन्होंने काम किया है तो निश्चित ही हम उनको ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क अप्रिसिएशन और रोक रकम जो गवर्नमेंट का जो कोटा होता है और जो लिमिट होता है हमारे डीसी साहब जरूर देंगे। सर, जिस तरीके से इसमें अक्सर देखा गया है कि ऐसे रॉबरी में जो है यूथ अक्सर नजर आते हैं, उन यूथ को आप क्या कहना चाहोगे अपने माध्यम से? अभी ये बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक विषय है, हो सकता है बेरोजगारी है और हो सकता है किसी का क्रिमिनल माइंड होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, वो कुछ अन्य मेहनत करना नहीं चाहते, वो खाली क्राइम करके उनको पैसा कमाना है, तो ये संशोधन का विषय हो सकता है।